नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा वीकेटी के बारे में। तो वीकेटी जो है वो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बहुत सारे पहले भी आपको वीडियो बना के दिया था, तो आज भी एक वीडियो बना के दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए, ये जो कंपनी है इंडिया का नंबर वन टायर बनाने वाला कंपनी है। आप देखिए, आप मार्केट में जितने सारे टायर्स कंपनी देखते हैं, ज्यादातर टू व्हीलर्स में जो देखते हैं आप, सीएट को ज्यादा देखते हैं, एमआरएफ को देखते हैं, अपोलो टायर भी देखते हैं। तो अपोलो टायर उतना ज्यादा टू व्हीलर में देखने को नहीं मिलता। ज्यादातर आप बासेस, ट्रैक्सेस और जो फोर व्हीलर जो है वो ज्यादातर आपको अपोलो टायर देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा बेचने वाला जो मतलब आप जो फील्ड है, देखा जाए तो कमर्शियल जो फील्ड है, इतने सारे हैवी व्हीकल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा बेचने वाला टायर है वो है बीकेटी, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आप देखेंगे तो बीकेटी लिखा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने शायद देखा होगा। तो उसका जो मेन कंपनी का जो नाम है वो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, और उसको शॉर्ट फॉर्म में बीकेटी बताए जाते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि इस कंपनी ने जिस तरीके से मतलब मार्केट को रीबैक किया, और जिस तरीके से मार्केट में अच्छा खासा एक मतलब पोजीशन बना के रखा, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी सबसे ज्यादा प्रेफरेबल आपको होने वाला है। क्योंकि देखिए, बीकेटी जो है तो एक टायर बनाने वाला कंपनी है। देखिए, फ्यूचर में अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी हो जाए, अगर कोई भी अलग अलग मतलब टोटली जो डीजल पेट्रोल का जो गाड़ियां है वो अगर बंद भी हो जाए, तो भी आप टायर को हमेशा बेचना ही होगा, क्योंकि टायर के बिना कोई भी गाड़ी नहीं चल सकता। हाँ, अभी आप कहेंगे सर फ्लाइंग में तो जा सकते हैं, मगर वो जेनरेशन अभी आने के लिए बहुत टाइम बाकी है। तो फिलहाल के लिए टायर इंडस्ट्रीज फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियां बेचा जा रहा है, जिस तरीके से गाड़ी का बिजनेस हो रहा है, मतलब जितने सारे कार्स, बाइक्स और हैवी व्हीकल का बिजनेस हो रहा है, उसी के हिसाब से टायर सबसे ज्यादा अभी ज्यादातर बिजनेस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको टायर इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना है, तो मैं जरूर बोलूंगा आप बीकेटी के ऊपर जरूर फोकस रखिए। देखिए, आप बहुत सारे दोस्त प्राइस रेंज देखकर ही भाग जाएंगे। देखिए, आपको मैं सर आपको मैं जरूर एक चीज कहूंगा, आप मान के चलिए आप 3,000 रुपया स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस कंपनी का एक शेयर भी खरीदारी कर लेते हैं तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आप 3,000 रुपया में 30 शेयर खरीदने से अच्छा है तो एक दूसरे कंपनी में जिसका प्राइस रेंज मान के चलिए 1,000 रुपीज, सॉरी 100 रुपीज, तो वहां पे आप 30 शेयर खरीदारी कर ले तो भी आपका उसमें उतना खासा ग्रोथ नहीं होगा जिस तरीके से बीकेटी ने आपको ग्रोथ देगा। तो चलो इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स देख लेते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट बहुत इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता रहेंगे। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, कंपनी जिस तरीके से रीबैक किया, मतलब यूक्रेन और रसिया के बीच जो जो वार चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, वो टोटली देखा जाए तो युद्ध अभी फिलहाल के लिए बंद हो चुके हैं। बंद मतलब टोटली देखा जाए तो अभी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया दोनों देशों के ऊपर, और बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज है अभी फिलअप किया जा रहा है। तो टोटली युद्ध अभी तक बंद होने के कदार में है, टोटली देखा जाए तो बंद ही हो गया। तो इसीलिए मार्केट रीबैक कर रहा है, और इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा तेजी से रीबैक कर रहा है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो निफ्टी जो, चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ, पिछले दिनों में क्लोजिंग हुआ दिखा कितना, 17,200 के ऊपर। एक्चुअली देखा जाए तो मैं एक मंथ की चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दू, 6 मंथ में चलो कंपनी किस तरीके से, मतलब निफ्टी किस तरीके से गिरावट हुआ था, 15,860 के हिसाब से मान के चलिए इस तरीके से रेंज तक चला गया था। तो 15,800 से रीबैक करके 17,280, मतलब किस तरीके से शानदार यहाँ पे रैली देखने को मिला। करीबन करीबन 9% तक रिकवरी कर चुके हैं। तो देखिए, इंडेक्स 9% रिकवरी मतलब कोई छोटा मोटा रिकवरी नहीं, अच्छा खासा एक लेवल पे फिर से पहुंच चुका है। 7,000 एक अच्छा खासा लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके कंपनी फ्यूचर पिछले दिन में बंद हुआ था। तो इसलिए देखिए, मार्केट अगर भागते हैं तो इसके लिए सब सब कंपनी अच्छा खासा तेजी देखने को मिलता है। तो पिछले दिनों में देखिए बीकेटी के ऊपर भी अच्छा खासा शानदार रैली देखने को मिला। तो पिछले दिनों में इस कंपनी में टॉप रैंकिंग में था, मतलब इसका जो परसेंटेज के रिटर्न के हिसाब से टॉप रैंकिंग में था कंपनी। देखिए, 5 दिनों में आपको करीबन 9% तक, 9 से 10% तक आपको रिटर्न दे चुके हैं। देखिए, कोई कंपनी 5 दिनों में 10% तक रिटर्न दे रहा है, वो भी लार्ज कैप कंपनी। देखिए, मैं मिड कैप, स्मॉल कैप टाइप कंपनी के बारे में नहीं बात करूंगा, वो तो एक दिन में ही करीबन 30-40% तक रिटर्न दे देते हैं। तो
मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं लार्ज कैप कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप 41,000 करोड़ से भी ज्यादा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक्चुअली देखा जाए इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं एक मंथ में आपको ओपन कर दूं तो करीबन 10% तक फिर से रिटर्न, और 6 मंथ में देखिए ऑब्वियसली लॉस हुआ था, कंपनी आपको 13% तक लॉस दिया था, किस तरीके से गिरावट हुआ था, उसके बाद फिर से रिकवरी जो चालू हुआ तो करीबन रिकवरी देखा जाए 20% तक रिकवरी कर चुके हैं। तो एक साल में देखिए, एक साल में भी कंपनी पॉजिटिव में है, 31% तक रिटर्न आपको दिया, 5 साल में आप देखेंगे तो 200% का रिटर्न आपको दिया, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो करीबन 1,700% का आपको रिटर्न दिया। तो देखिए कंपनी का जो रैली है, कंपनी का जो परफॉर्मेंस का जो रैली है, वो बहुत शानदार लेवल में देखने को मिला है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो कंपनी के जो एक्चुअल जो फिगर है वो आपको मैं जरूर जरूर दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो हाई किया था 2,723 और अभी जो चल रहा है तो 2,133, मतलब इस कंपनी का जो प्राइस लेवल था 52 का लो 1,500 और इसका हाई हुआ था 2,700, तो दोनों ही एक अच्छा खासा लेवल में यहाँ पे क्रिएट हो चुके थे। और सिक्योरिटी के माध्यम से देखा जाए तो कंपनी देखिए डिलीवरी देख लीजिए 64%, 67% आप सॉरी 65% आप बोल सकते हैं, 65% डिलीवरी कोई छोटा मोटा डिलीवरी नहीं है, जबरदस्त डिलीवरी उठा जा रहा है। देखिए वही कंपनी में सबसे ज्यादा डिलीवरी उठा जाता है जो कंपनी फ्यूचर के लिए है और फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, क्योंकि देखिए ये कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है, साथ ही साथ टायर इंडस्ट्रीज में कंपनी नंबर 1 में अभी तक फिलहाल के लिए नंबर 1 पोजिशन में है। आप देख सकते हैं हमारा सेकेंड पोजिशन में है। आप बहुत सारे दोस्तों को ये नहीं पता कि वो शायद प्राइस देखकर सोचते हैं कि एमआरएफ नंबर 1 है, क्योंकि एमआरएफ का प्राइस रेंज करीबन 68 to 70,000 रुपीज पर शेयर के एवरेज। देखिए इस तरीके से एवरेज होने का जो कारण है, कंपनी कभी भी स्प्लिट नहीं दिया, कभी भी बोनस नहीं दिया, इसलिए प्राइस जब से स्टार्ट हुआ था एमआरएफ तब से भी प्राइस कभी तक ब्रेक नहीं किया, और बाकी सारे के सारे कंपनी जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अगर ए भी नहीं स्प्लिट देता और अगर बोनस नहीं देता तो इस कंपनी का भी प्राइस रेंज अभी एमआरएफ से भी ऊपर देखने को मिल सकता था। देखिए मार्केट में लिक्विडिटी और स्टॉक में लिक्विडिटी बरकरार रखने के लिए हमेशा स्टॉक को प्लीट किया जाता है और हमेशा हमेशा स्टॉक को बोनस के हिसाब से प्राइस रेंज को ब्रेक किया जाता है। तो आप खुद ही देख लीजिए इस कितना शानदार यहाँ पे आपको रिटर्न दिया, 10 साल में कितना 33%, 5 साल में कितना 24%, 3 साल में कितना 33% और 1 साल में कितना 32%। ओवरऑल बात करूं कंपनी आपको 30% से ऊपर रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब आप समझ लीजिए कंपनी आपको 3 सालों में ही आपको फंड डबल कर रहा है। अप्रोक्सीमेटली हमको बता रहा हूँ 3 साल में कंपनी आपको फंड डबल कर रहा है। देखिए सिर्फ प्रॉफिट देखकर ही निवेश मत कर देना, और भी चीज में आपको हमेशा दिखाता रहता हूँ जो है नेट प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट रेशियो भी देख लीजिए, कंपनी तो पहले 200-300 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, अभी वो 1000 करोड़ तक पहुंच चुका है, मतलब कंपनी पोटेंशियल भी रखते है। साथ ही साथ कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है और रिटर्न इक्विटी भी जबरदस्त पॉजिटिव में है। तो हर पैरामीटर अगर पॉजिटिव में रहेंगे तो उस कंपनी से आपको डरने का जरूरत नहीं और उस कंपनी से आप मतलब ऑब्वियसली निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो रिजर्व है, रिजर्व कितना शानदार रिजर्व आप देख सकते हैं, कितना शानदार रिजर्व यहाँ पे देखने को मिला, और कंपनी का जो कर्जा है वो भी देखिए कितना हमेशा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं कर्जों में, क्योंकि कर्जा कभी मिटा देते हैं कभी थोड़ा सा कर्जा भी रह जाते हैं। तो कंपनी के देखिए इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए इन्वेस्टर कितना एग्रेसिवली इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा, FIIs 15%, DIIs 11.5%, पब्लिक 15%, प्रोमोटर 58%, इसका मतलब प्रोमोटर को छोड़कर बाकी जितने सारे इन्वेस्टर है वो इक्वल्स यहाँ पे टोटल देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करके रखा। अब डीआईएस के बारे में बात करो तो डीआईएस में आप देखेंगे ज्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी जबरदस्त माल उठा कर रखा, सबसे ज्यादा जो कंपनी यहाँ पे माल उठा कर रखा वो है यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड। तो HDFC म्यूचुअल फंड जो है वो करीबन 3% से भी ज्यादा माल होल्डिंग किया सिर्फ इसी क्वार्टर में, लास्ट जो क्वार्टर Q3 चला गया उस क्वार्टर में, मतलब इस टाइम में ही सबसे ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो देखिए इन्वेस्टर अगर रिस्क लेना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर तो आपको भी रिस्क लेना चाहिए मेरे हिसाब से। आप देख सकते गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबली वो भी यहाँ पे FIIs के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में सिर्फ मैं एक ही चीज कहूंगा, आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और आप इस कंपनी के ऊपर अभी तक बने हुए हैं तो जरूर होल्ड करिए, पेशेंस के साथ बने रहिए, कभी भी मार्केट में गिरावट फॉलिंग आए तो उसका फायदा उठाइए।
कभी भी वहां पे पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके सेल मत कर दीजिएगा अगर वो कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली और फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। इस बात को आप ध्यान में रखकर आप फिर से निवेश कर सकते हैं। बाकी आप स्टार्ट ही करेंगे तो पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और अभी तक हमने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे लिंक मिल जाएगा वहां से जाकर ओपन कर सकते हैं। और अभी तक इंटरडे लेवल में काम में आप करते रहे मतलब करना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक मिल जाएगा वहां से आपको डेली निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।